हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। हालांकि ये चैनल बहुत ही नया है और अभी अभी शुरुआत हुई है चैनल की, देखते हैं आगे कहां तक जाता है। खैर, आज का जो विषय है वह है विज्ञान या धर्म। हालांकि ये बातें डिबेट की हैं और मैं पूरी तरीके से इस बात से नकारता हूँ कि विज्ञान बेहतर है या धर्म बेहतर है। दोनों में से मैं किसी को सराहनीय नहीं समझता, मतलब कि इन दोनों में से कोई भी अलग अलग जगह पर नहीं है। दोनों की एक अलग ही एक स्तर है, लेवल है, ठीक है। तो फिर किसी को भी हम ज्यादा ऊंचा या नीचा नहीं दिखा सकते। और जो धार्मिक लोग हैं वो प्लीज ज्यादा इस बात को लेकर गुस्सा ना करें, क्योंकि जो सत्य है उन्हीं बातों को जो हमारे आंखों के द्वारा देखा जाता है, जो समझा जाता है, केवल उन्हीं बातों को यहाँ पे दिखाया जाएगा। कोशिश इस बात की रहेगी कि सारी जो एस्पेक्ट है वो कवर हुए, प्लीज। तो आज हम एक बहुत ही लोकप्रिय और महत्वपूर्ण विषय यानी विज्ञान या धर्म पर चर्चा करेंगे। ये दोनों ही हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन अक्सर दोनों के बीच बहस हो जाती है, जैसा कि हम देखते हैं लोगों की बातों से भी समझते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि विज्ञान ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है। हालांकि ये बात सत्य है, लेकिन ये डेवलपिंग में रहता है। कोई भी थ्योरेटिकल बातें हमेशा विज्ञान में सटीक नहीं रहती, मतलब कि यदि आप कोई थ्योरी पेश करते हैं और किसी और ने उसका कॉन्ट्राडिक्शन दे दिया जो कि मौजूद है, तो फिर वो आपकी थ्योरी नेगलेक्ट कर दी जाएगी। यह साइंस है, खुद को डेवलप करना, ऑब्जर्वेशन करना। जबकि अन्य मानते हैं कि धर्म ही सही रास्ता है। देखिए, बहुत सारे आध्यात्मिक लोग हैं जिनके द्वारा कि ये बताया जाता है कि धर्म जो है वह बेहतर है। तो आज हम इन दोनों पर एक साथ विचार करेंगे और सोचेंगे कि हमारे लिए क्या सही रास्ता कौन सा है। आइए विज्ञान से शुरू करते हैं। विज्ञान एक ऐसा विषय है जो हमारे ज्ञान और क्षमताओं को बढ़ाता है, साक्ष्य और तर्क पर आधारित है, यानी फैक्चुअल बातों पे, और यह हमारे आसपास की दुनिया को समझने में हमारी मदद करता है। विज्ञान ने चिकित्सा, भौगोलिक और परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति की है और इसने हमारे जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार किया है। इसका मतलब केवल साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ही इंसान का विकास हुआ है जी। तो दूसरी ओर धर्म विश्वासों और प्रथाओं का एक समूह है जो एक उच्च शक्ति या देवता की पूजा के इर्द गिर्द बनता है। धर्म जो है वो एक दायरे में बंधित है, अगर सही मायने में बात करें तो, यह उद्देश्य की भावना प्रदान करता है और लोगों को अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ने में मदद करता है। धर्म नैतिक मार्गदर्शन और समुदाय की भावना प्रदान करता है या उन लोगों के लिए संभावना और आराम ला सकता है जो इसका पालन करते हैं। देखिए, मैंने दोनों ही बातें कही, तो अब एक प्रश्न आता है कि तो सही मार्ग कौन सा है जी, जिसका हम इस वीडियो में जिसके लिए इस वीडियो को आना जरूरी समझा गया, विज्ञान या धर्म। तो यह है कि दोनों की अपनी खूबियां और सीमाएं हैं। सीमाओं से मेरा यह मतलब है कि सब अपने जो है ना फील्ड में है। फील्ड मतलब कि सबका एक दायरा है, एक निर्धारित दायरा है। विज्ञान हमें साक्ष्य और तर्क के माध्यम से दुनिया को समझने में मदद करता है, लेकिन ये जीवन के सभी सवालों को जवाब नहीं दे सकता। दूसरे और धर्म आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, लेकिन यह हमेशा विज्ञान प्रमाणों द्वारा समर्थित नहीं हो सकता। आप देखते होंगे कि मैं किसी भी ऑफिशियल किताब की बात नहीं करूंगा, जो कि वो कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगा। तो इसीलिए जो किताबों में लिखी गई है आध्यात्मिक बातें हैं, वो हर विज्ञान की बातों को समर्थन में नहीं होता, अक्सर समर्थन में नहीं होता। आखिरकार विज्ञान और धर्म के बीच का चुनाव एक व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत मतलब कि आप पे पर्सनली रूप से आप पे निर्भर करता है कि आपको क्या लेना चाहिए या मतलब क्या समझना चाहिए, आप किसके और ज्यादा आपका लगाव या झुकाव है। हालांकि साइंस का एक अपना महत्व है जीवन में। कुछ लोगों को दोनों में पूर्णता मिल सकती है, जबकि अन्य एक या दूसरे पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं। मतलब कि देखो, लोग जो है वो दोनों में से, या तो आप जो है दोनों को ले मतलब दोनों को एक, देखिए आप अगर यदि विज्ञान की बात करते हैं तो उसमें धर्म की बात ना करें, यानी धार्मिक तौर पे आप उसमें अपने विचार धारणा ना बनाएं। मतलब कि आपके सोचने की प्रक्रिया जो है वो एक धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति की ओर से ना हो विज्ञान को लेकर, और आप एक धर्म या धार्मिक लोग हैं तो आप उसमें विज्ञान की बातों को ना धकेलें जी। जो महत्वपूर्ण है वह यह है, दूसरे के विश्वासों का सम्मान करना और विज्ञान और धर्म दोनों को माध्यम से ज्ञान और समझ प्राप्त करना है। देखिए, दोनों का ही मकसद है मस्तिष्क का विकास करना, यानी दिमाग का विकास होना, दिमाग का खुलना, समझदारी का विकास होना। इसीलिए तो विद्यालय जाते हैं और विद्यालय में ऐसे अद्भुत और बेहतरीन सब्जेक्ट्स होते हैं विषय। हालांकि विद्यालय में तो हर सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो कि एक विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से आप लोगों की जो क्वेरीज होंगी वो सॉल्व हो चुकी होंगी, क्योंकि दोनों की ही एक अपनी अपने अलग अलग जगह पे औहदे हैं, तो इस बात से आप समझ चुके होंगे। तो अब इसी अंतिम वर्णों के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। मिलते हैं एक नई वीडियो में फिर से। तब तक के लिए बाय।